साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी साई सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी साई सबसे महान। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समस्त साई भक्त मानंकु श्री साई सच्चरित्र पठन श्रवण को स्वागत जनाउछि। एबे आमे बाबांकर श्री साई सच्चरित्र रो 27 अध्याय सुनिबा। बाबा किपरि दूरदर्शी त्रिकालदर्शी प्रत्यक्षदर्शी एवं परम संत भगवानंकर अवतार आमे सच्चरित्र रे सुनि आछे। तो भगवानंकर जेतेबेले संसार किसी ना किसी परिवर्तन बा नवीनकरण बा अन्यायर विनाश करिया पाई इच्छा हुई थाए सेतेबेले से सद्गुरु संत अथवा गुरु रूपरे धराधाम को आसी थांती। सेही परी परम ब्रह्मंकर अवतार श्री साई बाबा तांकर चरण कमल रे समस्त साई भक्त माने आमे श्रद्धापूर्वक विनत होई नम्र भाव रे प्रार्थना करी आमे ए अध्याय श्रवण करी। एबे गीतार रहस्य जे भक्त माने ब्रह्म विद्या अर्थात अध्यात्म शास्त्र अध्ययन करूथिले बाबा से मानुकु भल पाउथिले तथा बराबर उत्साहित करूथिले। गोटे उदाहरण हैला थरे बापू साहेब जो गोटे डाक आसला एथिरे लोकमान्य तुलक कृत गीता भाष्यर गोटे प्रतिलिपि थिला। बापू ताकु काखरे जाकी द्वारका माई को आसिले एवं बाबांकु साष्टांग प्रणाम कले। एही समय रे डाक पैकेट टी तांको काखरु फसी जाई बाबांकर चरण रे पड़गला। बाबा यह कौन बोली जिज्ञासा कले। बापू साहेब पैकेट खोली बहीटी को काढ़ी बाबांकर करकमल अर्पण कले। बाबा तार किसी पृष्ठ अवलोकन कर मुणर गोटे मुद्रा बाहर कले एवं पुस्तक उपर रखी तांकु फेराई देले। पुणी कहिले जे ध्यान सह या अध्ययन कर या द्वारा तुम कल्याण हेबो। से अध्याय टी कौन हेई थाई पारिबो मनर चंचलता दूर करिया पई अर्जुन पचारुछन्ति भगवानंकु चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथिम चलवत दृढ़म। तो भगवान कहुछन्ति शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया। धीरे धीरे परमात्मा को ऊपर विश्वास रखी यदि तांकर स्मरण करा जाए ताहले निश्चय ए भवरूपक सागर पार होई हेबो। तो शिष्यर सेवा और गुरुंक शक्तिपात श्रीमान ओ श्रीमती खपर दे थरे दादा साहेब खपर दे सपरिवार शिरडी आसिले एवं किछि मास धरी अवस्थान कले। तांकर रहणी कालर दैनंदिन विवरणी श्री साई लीला पत्रिकार प्रथम भाग रे प्रकाशित होईछि। दादा साहेब कौनसी साधारण व्यक्ति नथिले से एक धनाढ्य परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। अमरावती जड़े सुप्रसिद्ध वकिल भाव नाम थिला अमरावती दिल्ली दिल्ली स्थित राज्य काउनसिल से सदस्य थिले। जड़े विद्वान और प्रवीण वक्ता भावे जथेष ख्याति रही एत सब गुण अधिकारी होता सत्वे बाबा सम्मुखें मुह खोल साहस नाला। अधिकांश भक्त तो सबुले बाबा से शंकर समाधान कर लगी केवल तीन जन व्यक्ति खपरदे नुलकर एवं बुटी ही एपरी थे जो मैंने सर्वदा मौन रहा श्रेय मणुले तथा अति विनम्र एवं उत्तम स्वभावर व्यक्ति थे। विद्यारमण स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जो थे अद्वैतवादर दर्शन सन्निवेशित होती रमण महर्षि द्वारा अद्वैतवाद
अर्थात ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या, ये होती अद्वैतवाद। तार विवरणी दादा साहेब अन्य मानक बुझाऊ किंतु जिते बड़े से बाबा निकट को गले पाटी गोटे शब्द मध्य बाहर ना प्रकृत कौन सी व्यक्ति से जिते बड़ विद्वान वेद वेदांत पारंगम होता कहीं ब्रह्म पदरे पहुंचा व्यक्ति सम्मुखे शुष्क ज्ञान म्लान पड़ जाए। दादा साहेब शिरडी से चारिमास तथा पत्नी सातमास रे से दुहे शिरडी रहणी से अत्यंत प्रसन्न थिले। श्रीमती खपरदे श्रद्धालु तथा बड़ भक्त थिले, तेणु साई चरण से प्रगाढ़ प्रेम थिला। प्रतिदिन मध्यान रे से नैवेद्य प्रस्तुत करी द्वारका माई को जाउथिले एवं बाबा ताहा ग्रहण करिबा परे घर को फेरी निजे भोजन ग्रहण करुथिले। बाबा तांकर अटल श्रद्धा अन्य मानंकु प्रभावित पाई करिबा पाई चाहूथिले। दिने दीपर समय रे से उपमा पूरी भात सर खीरी तथा अन्यान्य भोज्य पदार्थ नहीं द्वारका माई रे पहुंचिले। अनेक दिन तो बाबा को घंटा घंटा धरी अपेक्षा करिबा को होउथिला, किंतु से ही दिन से तुरंत उठी पड़े और भोजन स्थान में आसन ग्रहण कर घोड़नी हटाई रुचिपूर्वक भोजन करने आरंभ कले। या देखी श्याम कहले, हे देवा एपरी पक्षपात काहीकि अन्य मानंक थाली प्रति दृष्टि देउनाहंती, ओलटी ताहाकु एड़ाई जाउछंती, ए गोटिए थाली को एते आग्रह रुचिपूर्वक ग्रहण करुछंती काहीकि, एथिरे एपरी की स्वाद रहिछि। या परे बाबा कहले, यही भोजन रे एक स्वतंत्र अच्छी। पूर्व जन्म रे यही महिला जड़े व्यवसायी हृष्टपुष्ट गाई थिला एवं बहुत दुग्ध देउथिला। पशुजनि त्याग करी से एक माली परिवार रे जन्म ग्रहण कला। से ही जन्म परे पुणी एक क्षत्रिय वंश रे जन्म नेला एवं जड़े व्यवसायी सह तार विवाह हेला। दीर्घ काल परे एहा सह भेट होइछि, एथिपाई तार थाली रो प्रेम सहकारे चारि ग्रास नहीं जाए। यह कही बाबा पेट भरी भोजन कले एवं हस्त मुख प्रक्षालन करी तृप्ति रे चारि पांच बार हाकुटी मारी निज आसन रे उपविष्ट हेले। श्रीमती खपर दे बाबा को भक्तिपूत नमन कले एवं तांकर पाद सेवा करने को लगे। बाबा तांक सह वार्तालाप कले एवं निजे मध्ये तांक हाथ चापिबाकु लगिले। यही प्रकार परस्पर सेवा करुथिबा देखी श्यामा मंद हास्य दे मंतव्य देले, देख कि अद्भुत दृश्य, भगवान और भक्त जड़े आउ जनकर सेवा करुछंती। तांकर सद्भाव देखी बाबा मधुर तथा कोमल वचन रे कहिले कि एबे सर्वदा राजा राम जप कर। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। यहाद्वारा तुम्हें जीवन ध्येय अवश्य प्राप्त करिव, पूर्ण शांति लाभ करिव। आध्यात्मिक विषय रे अज्ञात व्यक्ति मानंक पाई एही घटना साधारण परि मन हेबो, किंतु शास्त्रीय भाषा रे यहा शक्तिपात नाम रे विदित अटे। अर्थात गुरुंक द्वारा शिष्य हृदय रे शक्ति संचार। बाबांकर वाणी केते शक्तिशाली एवं प्रभावकारी थिला, गोटिए क्षण रे ताहा तांकर हृदय कमल रे प्रवेश करी अंकुरित होइगला। यही घटना गुरु शिष्यंक आदर्श संबंधर प्रतीक अटे। गुरु शिष्य उभयंकु जड़े अन्य जनक ठारु अभिन्न मने करी प्रेम एवं सेवा करिबा उचित, कारण से दुहिंक मध्यरे कौनसी प्रभेद नाही। से दुहे अभिन्न एवं एक ओ केबे पृथक होइ पारिबे नाही। शिष्य गुरुदेवंक चरण रे मस्तक रखुचि, यहा तो केवल बाह्य दृश्य, आंतरिक दृष्टि रे उभय अभिन्न एवं एक तथा जी ताकु पृथक मने करे से अपरिपक्व अपूर्ण मने करिवाकु हेब। गुरु शिष्यर संबंध, संतान एवं बापा माकर संबंध, प्रजा एवं राजांकर संबंध जेपरी एक प्रकार, सेहीपरी बाबा मध्य भक्त मानंक ठारु अभिन्नता दर्शाउथिले लीला माध्यम। ओम श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु।